हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में जैसे कि मैं देख सकते हैं आप कि नीट यूजी में इस बार बड़ा बदलाव हो सकता है। अनलिमिटेड एग्ज़ाम दे सकेंगे, सिर्फ अनलिमिटेड एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे सभी छात्र, सिर्फ 3 से 4 बार ही मौका मिलेगा। आखिर पूरा मामला क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अखिल भारतीय प्री मेडिकल के तर्ज पर अब राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। यानी 2025 में स्टूडेंट्स के लिए लगातार एग्ज़ाम देने का विकल्प हटाकर 3 से 4 बार एग्ज़ाम देने का विकल्प रखा जाएगा, जिससे परीक्षा में स्टूडेंट्स की बढ़ती संख्या पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से हो सकेगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के बाद गठित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी सुधार में समीक्षा समिति में सिफारिश कर दी है। ये बड़ा बदलाव हो सकता है कि नीट यूजी में अब इस बार बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। फिलहाल वर्तमान में जो सिफारिश की गई है उन पर मुहर नहीं लगी है। सूत्रों की माने तो सिफारिश पर जल्द ही मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि देखो हो क्या रहा है कि हर साल डे बाय डे नीट में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एक समय था जब 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख होते थे स्टूडेंट, अब सीधा 22 से 25 लाख स्टूडेंट पहुँच जाते हैं और नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स अभी भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार स्टूडेंट बढ़ रहे हैं तो उस तरह से यहाँ पर सीटें भी बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है। सीट लिमिटेड है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसके वजह से 720 आने के बाद भी लोग सोचते हैं कि मुझे एम्स दिल्ली मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस पे देखिए आयु सीमा निर्धारित करने का भी सुझाव। देश में पहले मेडिकल की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 3 बार परीक्षा दे सकते थे। इसके बाद नीट यूजी में अनलिमिटेड विकल्प दिए गए थे। पहले ऐसा ही था सिस्टम कि 2 से 3 बार आप नीट देने के बाद आप नहीं दे सकते थे, बट अब क्या है अनलिमिटेड का विकल्प कर दिया गया था। ऐसे में पेन पेपर से परीक्षा के कारण ही प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा दूर दराज व ग्रामीण इलाके में प्रश्न पत्र काफ़ी पहले भेजना पड़ता है। ऐसे में समिति ने एक बार फिर से स्टूडेंट को 3 से 4 प्रयास ही देने का विकल्प देकर सुझाव दिया है। इसके साथ ही संख्या भी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए आयु सीमा जो है यहाँ पर निर्धारित की गई है। आयु सीमा बताकर सुधार समीक्षा ने CUET नीट सहित अन्य परीक्षाओं के पैटर्न के आधार पर नीट यूजी को ही हाइब्रिड मोड पर करने का सुझाव दिया है, जिससे पेपर कंप्यूटर आधारित आएंगे और OMR पेपर मोड में आंसर दिए जाएंगे। ऐसे में प्रश्न पत्र भेजने की परेशानी नहीं आएगी, साथ ही पेपर लीक होने की संभावना भी कम हो जाएगी। देख सकते हैं आप कि नीट में बहुत सारा बदलाव हो सकता है और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ कुछ एग्ज़ाम में कुछ कुछ चेंजेस आने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखा जाए तो चेंजेस का बहुत ज़रूरत है। साथ ही साथ जिस तरह से JEE मेंस, JEE एडवांस होता है, उस तरह से नीट में भी 2 बार होने का अगर मौका मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि नीट जैसा एग्ज़ाम में भी कम से कम साल में 2 बार हो, ताकि बच्चों को साल भर साल इंतज़ार ना करना पड़े। क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसके वजह से बहुत दिक्कत आती है, लाखों लाखों बच्चों का सपना यहाँ पर चूर हो जाता है। तो इस पे ध्यान देने वाली बात है और हो सकता है कि इस पर मुहर लग जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।